हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम चन्नो ताल पे आए हैं और चन्नो ताल का जो पार्क है, इस पार्क में आए हैं और राजघाट के बच्चे हमारे पास हैं, पीछे खड़े हुए हैं और इन बच्चों से पूछते हैं। ये लोग राजघाट के सारे लोग मछली पकड़ते हैं और इन लोगों से मुलाकात करते हैं और ये बच्चे मछली भी पकड़ते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो इन बच्चों से थोड़ा थोड़ा परिचय लेते हैं। तो मुन्ना, अपना नाम बता दो। राजनिषाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजघाट के। तो आप मछली पकड़ने जाते हैं? हाँ जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। कभी कभी जाते कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। तो क्यों कभी कभी जाते हैं? क्योंकि स्कूल भी जाना है और मछली भी मारना है और घर पे भी रहना है। अरे जब खाने का मन करता है, अब जब नहीं करता है तो नहीं जाते हैं, और खाने का मन करता है तो जाते हैं। तो मछली जो है आप पकड़ने जाते हैं, तो कितनी क्वालिटी की मछलियाँ पकड़ते हैं? सबसे अच्छी मछली कौन होती है? चाइना, रोहू, भकुरा, ग्रास, सिल्वर, यही सब, ब्रिगेट, यही सब अच्छी मछली हैं। तो सबसे महंगी मछली कौन बिकती है? पढ़ना। इसमें खासियत क्या होता है? इसमें काटा नहीं रहता है। तो आप लोग मछली खाते भी होंगे? हाँ खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खाने में कौन मछली अच्छी होती है? पढ़ना, सिंगी, दो चीज़ बहुत अच्छी होती हैं। तो आपके पास कितनी नाव है? 20-25 नाएँ होंगी। आपके घर कितनी नाव है? एक नाव है। आपके घर एक नाव है? तो अब 20-25 नाव आपके गांव में है। किसके पास 4-5 नाव है, किसके पास एक एक नाव है? सबके पास एक एक नाव है, किसी के पास 4-5 नाव नहीं है। ये नाव कहाँ से खरीद के लाते हैं? यहाँ ये नगर से खरीद के लाते हैं। तो कितने की मिलती है नाव? 8,000 की, 9,000 की, 7,000 की, 10,000 की, जितना किलो। अच्छा, वजन के हिसाब से मिलती है? हाँ, जितने की तुम ले सकते हो उतने की मिलेगी। अच्छा, मतलब 7,000 से शुरू है? हाँ। और 9-10,000, 15,000 तक मिलती है? हाँ मिलती है। जो स्टीमर यहाँ वो कितने का मिलता है? वो तो बहुत महंगा मिलता है, पता नहीं है, मतलब ये लगभग 15-20,000 का होगा। ये पार्क की तरफ से है? हाँ ये पार्क की तरफ से है। 1-2 लाख का है वो, बोल रहे थे। 1 लाख का नहीं होगा क्योंकि उसमें मशीन नहीं लगी है। नहीं लगी है, रखे हैं, अभी चलाते हैं। अच्छा, निकाल के रख दिए हैं। हाँ तो होगी, मशीन लगी है तो होगी। हाँ ठीक है, आप अपना नाम बता दें। सर्वेश निषाद। सर्वेश निषाद, तो आप भी नाव से मछली मारते हैं? हाँ कभी कभी मारते हैं। कभी कभी मारते हैं? हाँ। तो मजा भी आता है? बहुत मजा आता है। क्या मजा आता है मछली मारने में? मछली मारने में मजा आता है। तैरते भी है? नहाते भी है कभी कभी। गर्मी उर्मी लगता है? गर्मी का मौसम आ रहा, अभी यही नहाने का शुरू करेंगे। तो ये ताल कितना लंबा है? 989 बीघा है। 6 कोस है। हाँ। तो ये कहा जाता है, हम सुने हैं कि चन्नो ताल पहले एक गांव था, ये भूकंप में जो है ऐसे कुछ आया था, रात रातों रात पानी बन गया था, ऊपर धस गया था जमीन। हाँ ये पलट गया है, ये सब जमीन जो उद्यान है ना। हाँ। सब पलट गया था। ये कौन बता रहा था आप लोगों को? ये हमारे बाबा बताए कहते थे? कहते थे कि यहाँ पर बहुत साल मतलब पहले यहाँ पर गाँव था, एक घाट था, वो पलट गया है। तो इसके वजह से ताल बन गया? हाँ इसके वजह से यहाँ पे ताल बन गया है। हाँ। और हम लोग रहते हैं, खाते हैं। आप बता दो अपना नाम। शिवा निषाद। आप किस क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में पढ़ते। पढ़ाई के बारे में कुछ पूछ सकते हैं? बताइए। सिक्स का पहाड़ा या टेबल बता दो। सिक्स का 6 का 6 12 6 3 6 4 6 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
सब अच्छा ही लगता है, चाहे जो पढ़े चाहे जो पढ़े। हाँ अच्छा, तो आप लोगों ने मछली पकड़ने में बड़ा मजा आता है? हाँ मजा आता। तो आता ही है, आता ही है। ऐसा चीज है। और इससे चेहरा भी खुश दिखाई दे रहा है, आप लोग मछली पकड़ते भी खाते हो, मजे करते हो? हाँ बहुत मजे करते हैं, बहुत मजे करते हैं। गर्मी में नहाते हैं, गर्मी में नहाते भी हैं। हाँ चलिए ठीक ठीक। तो राजघाट से आप मछली पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं कभी कभी, पढ़ने जाते हैं रोजाना, इसलिए नहीं पकड़ते हैं। किस क्लास में हो? सिक्स क्लास में। सिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाव से मछली पकड़ते हैं? हाँ नाव से मछली पकड़ते हैं। तो कब जाते हैं मछली पकड़ने? आज नहीं गए हैं, मतलब जाते थे आज, कल वो क्या है, अरे संडे के दिन, कल संडे है ना, मतलब कल नहीं, अरे कल वो है नवरात्र है, इसलिए नहीं गए हैं। तो मछली बिकती कम है नवरात्र? हाँ नहीं, खाता नहीं है ना,
अब अच्छा, आप लोग भी नहीं खाते? हाँ, अब हम लोग भी नहीं खाते, तो कोई लोग नहीं खाते मछली, कोई नहीं मारे? नहीं नहीं, कोई नहीं मारेगा। अरे बहुत लोग मारते हैं, बहुत लोग नहीं मारते हैं। तो कितनी नाव चलती है इसमें? अरे 20-25 नाव है आपके गांव की। हाँ। और कौन से गांव की नाव चलती है? फुलोरिया। फुलोरिया, फुलोरिया की चलती है। तो अपना नाम बता दो आप? सर्वेश निषाद। तो आप किस गांव के हैं? राजघाट। राजघाट के आप भी हैं, तो आप भी मछली पकड़ने जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो कैसे मछली पकड़ते हैं, कुछ आइडिया बताएंगे हमको भी? हाँ मतलब आप जाल लेके जाते हैं, कब जाल लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कुछ बताएंगे? यहाँ से 3:30 बजे जाएंगे और साँझ होने से पहले लौट आएंगे गिरा के। जाल लगा के लौट आते हैं। तो जाल कैसे लगाते हैं? जाल हाथ से लगाते हैं, नाय खींचते हैं एक हाथ से और एक हाथ से जाल लगाते हैं। तो जाल कहाँ लगता है? जाल मतलब कहाँ, किस जगह पे लगाते हैं, और कैसे याद रहता है? पानी में लगाते हैं सवार के बीच में। तो आपको याद रहता है? हाँ याद रहता है। अच्छा निशान गाड़ते हैं? निशान लगा देते हैं। तो मतलब जाल में कैसे मछली अपने आप फंस जाती है? हाँ अपने आप। किस तरह का जाल रहता है, अपने आप फंस जाती है? हाँ वैसे गिरा देते हैं, फंस जाती है अपने आप, कभी कभी नहीं पाते, कभी कभी पा जाते हैं। जाल में कितनी मछली फंस जाती है? 2-3 मछलियाँ फंस जाती हैं, बड़ी बड़ी 2-3 फंस जाती हैं। हाँ तो एक मछली कितने की लगभग बिकती है? एक मछली 50-60 रुपये की जाती है। 50-60 रुपये? हाँ एक मछली। अरे छोटी और बड़ी मछली 500-600। तो कितने जाल लगाते हैं? लगाते हैं 3-4 जाल लगाते हैं। 3-4 जाल लगा देते हैं, तो लगभग 10 किलो मछली, 5 किलो पा जाते हैं? नहीं रोज नहीं पाते हैं, कभी कभी पा जाते हैं, कभी कभी नहीं पाते हैं। कभी पा जाते हैं, कभी नहीं पाते हैं। ठीक है, आप अपना नाम बता दे? शिवा निषाद। निषाद, और आप भी राजघाट के रहने वाले हैं? यस। तो आप भी मछली पकड़ते हैं? कभी कभी। तो आपकी नाव है? नहीं, दूसरे की नाव लेकर। भाड़ा लगता होगा नाव का? नहीं फ्री। फ्री मतलब आपके घर में आपके नाव नहीं है, दूसरे का नाव लेते हैं? कभी कभी जाते हैं जब खाने के मन तो करता है ना, ना इन लोग, आपके पास तो नाव हो? हमारे पास भी नहीं है। तो आप कैसे नाव के पास नहीं है। तो कहाँ से नाव पाते हो? चाहे लेकर ले लेते हैं। अच्छा चाहे जिसका ले लेते हैं। हाँ कोई मतलब सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते, कोई सब किसी को, कोई भी कोई कुछ किसी को कुछ नहीं बोलता है, चाहे जो ले जाना है। हाँ चाहे जो, अब मान लो उसको भी जाना है, जिसकी नाव उसको भी जाना, तो नहीं जाते हम लोग। अच्छा जब खाली नाव रहती तभी जाते? हाँ जब तभी जाते हैं, तभी जाते हैं। तो नाव मछली पकड़ना जो है कठिन काम है, सरल काम है? सरल काम है, हम लोग को तैरना भी आता है। यस। तो ये जो चन्नोताल कितना लंबा है? 989 बीघा। 989 बीघा और 3 कोस, 6 कोस। 6 कोस में है? 989 बीघा, 6 कोस में लंबा है। तो आप लोग कभी चन्नोताल का फोटो वीडियो बनाए हैं अंदर घुस? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं बनाए हैं। तो आपके गांव के राजघाट के लोग रहते हैं, और किस किस गांव के लोग मछली पकड़ने आते हैं? पोखन्नी, फुलवरिया, राजघाट। फुलवरिया का ज़्यादा मारते हैं और राजघाट का बहुत कम। आपके गाँव के लोग कम मारते हैं, क्यों पता नहीं, कोई नहीं जाता है उतना ना मछली मारने। अब लोग पढ़ने जाते हो, वो लोग ज्यादा फुलवरिया ज्यादा मारते हैं? इतना टाइम? अच्छा ज्यादा। तो बड़े लोग पापा भी आपके मछली पकड़ते होंगे ना? नहीं हमारे कमाते हैं। कहाँ कमाते हैं? बहरीन, मतलब वो तो सऊदी कंट्री है बहरीन। हाँ बहरीन में। कितने साल से वहाँ रह रहे हैं? 2-3 साल से थे, अब फिनिश आ गए हैं, अब घर पे हैं। तो ये आपका वीडियो आपके पिताजी के पास जाने वाला है? भेज दीजिए, कोई बात नहीं है, बता देंगे। आप चैनल का नाम कुसौरा बाजार बस्ती, तो उनके पास ये वीडियो चला।